अभी फ्लाइट का ये शेड्यूल है कि फ्लाइट थोड़ा सा डिलेड है, तो ऐसे अभी वेटिंग एरिया के अंदर बैठा हुआ हूँ। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमन सिंह एंड यू आर वॉचिंग एट अनदर एपिसोड ऑफ माई चैनल। सो गाइज, आज के एपिसोड में आज है हमारा डे फोर एक तरीके से गोवा के अंदर। पता नहीं कौन सा डे है, बस ये है कि आज लास्ट डे है, आज हम जा रहे हैं वापस। शाम की हमारी फ्लाइट है और अभी का अगर मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बताऊं तो अभी का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अभी बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश और अभी हमारा होटल चेकआउट का टाइम भी है और जो हमारे पास रेंटल कार थी जो कि थार थी वो भी भैया आके अभी थार ले गए हैं। बाहर हो रही है बारिश तो अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी सी है, भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो अब प्लान कुछ ऐसा बना रहे हैं कि कोई अच्छा सा कैफ़े देखेंगे, वहीं पर अपना लगेज ले जाएंगे, कैब वगैरह बुक करनी पड़ेगी और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करके जब फ्लाइट का टाइम होगा वहीं से सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। प्लान तो था थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने का, लेकिन अब बारिश इतनी तेज़ हो गई तो कहीं जा नहीं सकते। बाकी अभी ये फिलहाल का प्लान है और आपको एक बार बारिश दिखाता हूँ बाहर। तो ये कुछ माहौल है बाहर का और ऐसी कुछ बारिश हो रही है। ग्रीन कितना ज़्यादा लग रहा है आप ये देखो, बहुत बढ़िया बालकनी मिली है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। बाकी बारिश की बात करें तो अच्छी ज़ोरों शोरों से है अभी। तो अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, जितना पहले थी उससे थोड़ी सी हल्की हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी है, बाहर ऐसे नहीं जा पाएंगे घूमने फिरने। तो अभी वही प्लान है जो अभी तक है, अगर बारिश रुकती है तो थोड़ा सा चेंज वगैरह करके देखेंगे। मन तो था यार उस चर्च के बाहर जाके फ़ोटो भी खिंचाने का, लेकिन अब देखते हैं कैसे जाते हैं वहाँ पे, अगर रुक गई तो ज़रूर जाएंगे। बाकी अभी ये है और सामान पैक करते हैं और थोड़ा सा निकलते हैं। बाकी सामान मैं ऑलमोस्ट पैक कर चुका हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बाहर हैं जैसे ये चप्पल एक रखनी अंदर और एक आध चीज़ें और हैं वो मैं फटाफट से अंदर रख के एक बार बैग को तरीके से पैक कर दूंगा। रूम एक बार अच्छे से चेक कर लूँगा, बाहर भी चेक कर लूँगा कि कोई चीज़ इधर उधर रह ना जाए, क्योंकि यहाँ से एक बार निकल गए फिर वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि यहाँ पर गोवा में ऐसा ना, क्योंकि आपको रिक्शे टैक्सी वगैरह नहीं मिलेंगे यहाँ पर, आपको या तो कैब बुक करनी पड़ेगी फ़ोन वगैरह पर। रेंटल बहुत अच्छा सर्विस है लेकिन आप रेंट हर वक्त नहीं रख सकते, जैसे अभी बेवजह दो एक घंटे के लिए पूरे दिन का रेंट देना बेकार था। जैसे अगर हमें शाम की फ्लाइट है तो दोपहर को एयरपोर्ट जाना, तो दोपहर के लिए सारे दिन का रेंट देना मुश्किल हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब फटाफट से सामान पैक करते हैं, कोई अच्छा सा कैफे वगैरह या कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए जब तक हमने एयरपोर्ट जाना है। तो बस ये सीन है, आप इंजॉय करो वीडियो को, पता नहीं कैसी बनेगी। बाकी इसमें सारी जर्नी रिकॉर्ड करेंगे दिल्ली तक, दिल्ली में जाके वीडियो एंड करेंगे। तो ये कुछ मेरा लगेज यहाँ पे रेडी है और ये ऐसा रूम था जहाँ पे मैं रह रहा था फिलहाल, और काफ़ी ठीक ठाक रूम था। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पर बालकनी पीछे और ये पर्दा दिया हुआ है। बाकी ये लगेज रेडी हो चुका है। जब मैं आया था तो ये वाला बैग लेके आया था, सिर्फ ये वाला बैग इसके अंदर था और मुझे पता था कि जब यहाँ से निकलेंगे तो इस बैग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। दो रीज़न है, एक तो होता क्या है कि जब आप आते हो तो अलग तरीके से पैकिंग करके आते हो, जब आप निकलते हो दूसरी जगह से ट्रिप के बाद तो वो पैकिंग उस तरीके से हो नहीं पाती, और ये वाला बैग मैंने रख लिया था इसी पर्पज़ से। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जो खरीदी हैं वो भी इसी के अंदर हैं, तो वो मिक्स मैच करके ये दो बैग मेरे तैयार हो गए हैं। बाकी एक बार रूम चेक कर रहा हूँ कोई चीज़ यहाँ पर रह ना जाए, और बाहर भी एक बार देख लेता हूँ। बाकी ठीक ठाक रूम था, अच्छा स्टे था, मज़ा आया यहाँ पे, ओशियो इन हॉस्पिटैलिटी। तो सारा कुछ चेक कर लिया है, ऑल ओके, यहाँ से निकलते हैं बाहर और प्लान फाइनल होता है तो मैं आपको भी बताता हूँ। तो गाइज, मैं हूँ इस बहुत ही शानदार कैफ़े में, बीच साइड कैफ़े है और इसका नाम है पाम्स एंड सैंड्स। बाकी ये बहुत बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये डॉग भी है, आप देखो अंदर छुप के बैठा हुआ है, और एक कैट भी है आगे, वो मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। बाकी बहुत ज़बरदस्त कैफ़े है ये, बीच में बना हुआ है और सामने व्यू बहुत शानदार है, हवा काफ़ी अच्छी चलती है यहाँ पर, तो आप आना चाहो यहाँ आ सकते हो और बैठ के इन्जॉय कर सकते हो। तो गाइज़, एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अभी बोर्डिंग पास वगैरह चेक कराए हैं, बैग चेक इन कराते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा कट टू कट चल रहे हैं टाइम से। सो गाइज़, एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और सारी चीज़ें डन कर दी हैं, बैग इन जो है चेक इन कर दिया है और बोर्डिंग पास आ गया अपने हाथ में। बाकी अब यहाँ पर बैठा हूँ ऊपर और अभी थोड़ा सा टाइम है, बाकी यहाँ पर इतना भीड़ नहीं है जैसे दिल्ली में होता है, तो हमें लग रहा था कि लेट है लेकिन ठीक ठाक टाइम से आ गए, फ्लाइट ऑन टाइम है। और अभी थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पे
बाकी रास्ते में तो मैं ऑलमोस्ट सोता सोता ही आया हूँ, तो रास्ते में तो कुछ दिखाने का था नहीं है सच। तो ऐसे अभी वेटिंग एरिया के अंदर बैठा हुआ हूँ और इस तरफ खाली है, उस तरफ थोड़ा सा भीड़ है। ये गोवा एयरपोर्ट है, देख लो, और आगे से भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, आगे एक विंडो भी है तो उस तरफ भी चल के देख लेंगे। तो गाइस सामने जो गेट जे है वहाँ से एंट्री है, अभी फिलहाल वहाँ पे कोई डिस्प्ले लिखा नहीं आ रहा, अभी आई पे तो आ रहा था लेकिन जे पे ऐसा सच कोई वो चीज़ नहीं है, तो अभी तो यहीं पे सामने बैठे हैं। 5:50 की फ़्लाइट है तो ऑलमोस्ट मतलब अभी लगा लो अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, तो उस हिसाब से अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा अंदर, तो चलेंगे फिर उसके बाद। अभी यहाँ पर देखा कुछ खाने के ऑप्शंस वगैरह, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कि सामने इडली वाला है जो आप देख पा रहे हो उधर कोने में अगर देखो, और एक उस तरफ एक कैफ़े टाइप है, दोनों में कुछ खास नज़र नहीं आया। बाकी मन तो है नहीं इतना अभी खाने का, एक्चुअली बात वही है ना, क्योंकि जब लैंड करेंगे ना तो शायद 8:30 का कुछ टाइम हो चुका होगा, डिनर टाइम हो गया होगा, तो फ़्लाइट में भी लेने का कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, वैसे तो लंच हैवी कर लिया था जो कैफ़े गए थे मैंने आपको दिखाया था, बाकी अब थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे और माहौल देख लो एक बार, गोवा एयरपोर्ट का कुछ ऐसा है, भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। तो अभी बिल्कुल यहाँ पर बैठा हूँ, बालकनी कह लो, विंडो व्यू जो भी है। तो अभी फ़्लाइट का ये शेड्यूल है कि फ़्लाइट थोड़ा सा डिलेड है, अभी 5:50 की फ़्लाइट थी तो अभी 6:15 की हो चुकी है, तो थोड़ा सा अभी टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक एयरक्राफ्ट लैंड हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह चल रही है, ज़्यादा गैप नहीं है, ज़्यादा गैप होता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, आगे फिर लेट पहुँचते तो दिक्कत है। तो अभी 6:15 की फ़्लाइट है, बोर्ड करेंगे तो तब आपको दिखा दूँगा, बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ सेटिंग है, सामने रनवे नज़र आ रहा है फिलहाल, और अभी एक्चुअली 2-3 फ्लाइट्स इकट्ठे यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट हुई थी तो काफ़ी सेटिंग खाली हो गई, तो मैं आगे आके बैठ गया हूँ अभी। और दूर है थोड़ा रनवे, लेकिन कुछ कुछ फ्लाइट्स नज़र आ रही हैं, टेक ऑफ लैंडिंग्स वगैरह दिख रही हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे अभी। गाइस फ्लाइट लैंड कर चुकी है और मैं आ चुका हूँ अंदर, और 5 नंबर बेल्ट पे जाना है सामान पिकअप करने के लिए। स्मूथ फ्लाइट थी काफ़ी ज़्यादा और टाइम से मतलब जल्दी ले आई, ऐसा ही होता है हमेशा, अगर लेट हो रही होती है ना फ्लाइट तो वो उसको रिकवर कर लेते हैं, तो अब फटाफट से बेल्ट से सामान उठाते हैं और फिर आगे कैब वगैरह करते हैं। तो ये 6 नंबर वाली बेल्ट है और इसके पीछे ये 5 नंबर, फटाफट वहाँ चलते हैं और लगेज कलेक्ट करते हैं। तो ये है 6 नंबर बेल्ट और इसके आगे 5 नंबर बेल्ट, तो फटाफट वहाँ चलते हैं और अपना लगेज कलेक्ट कर लेते हैं।